महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के गठन के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार का पुतला भी फूंका, साथ ही सरकार के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी की गई। इससे पहले कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर संसद में भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष जमा हुए और उन्होंने मोदी सरकार शेम शेम और लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। तो आपको बता दें, शीतकालीन सत्र जारी है और महाराष्ट्र में जो महानाटक चल रहा है उसको लेकर कांग्रेस ने आज संसद के अंदर ही विरोध मार्च सा कर दिया और यहां पर अच्छा खासा बवाल काटा गया। हालांकि आपको बता दें कि यहां अंदर सदन में राहुल गांधी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ ये कहने की कोशिश की कि आज मुझे यहां खड़े होकर कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की गई है। उसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर देखिए किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए आग जलाकर, और खुद कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी गांधी प्रतिमा के पास पहुंचकर यहां जो विरोध चल रहा है उसमें शिरकत की। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वजह बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जो कवायद जारी थी तीनों दलों के, एनसीपी, शिवसेना और खुद कांग्रेस की, उसको बड़ा झटका लगा जब सुबह सवेरे देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली।